सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। वंस अगेन हम आ पहुंचे अपनी गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर से कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो जो मैंने डाली RS 200 लेने के लिए, तो काफ़ी सारे भाइयों का मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए उसके लिए, थैंक यू। और आप में से काफ़ी सारे लोगों का मतलब सपोर्ट भी है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी भूमि मोटर्स के बारे में कि भाई भूमि मोटर्स पे बाइक देखने के लिए मुझे किसने बताया था, जितेश भाई ने बोला था व्हाट्सएप पे, जिनका मैं लास्ट वीडियो में नाम से ग्रीस बता रहा था, गलती से वो गलत बता दिया, उस नाम की किसी और बंदे से बात हो रही थी। तो जितेश भाई ने बोला था एक बार भूमि मोटर्स पे देख लो, तो मैंने जब वीडियो में बोला कि भाई भूमि मोटर पे ट्राई करूंगा, खैर आज इस वीडियो में फोन भी करूंगा उन्हें मैं। तो मेरे फ्रेंड हैं एक तरुण भाई जिनकी येलो कलर की RS है, मे बी आप में से जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स होंगे वो जानते होंगे तरुण भाई RS है उनके पास, और उनका RS के ऊपर ही पूरा चैनल है, वो RS के मुझे लगता है गुरुजी हैं। तो उनका फिर रात को मैसेज आया, कह रहे कि प्रीत भाई भूमि मोटर पर मत जाना, वहाँ पे यार मेरे दोस्त ने बाइक ली थी, उसके साथ थोड़ा स्कैम हुआ है। फिर उसके बाद आप में से किसी भाई ने कमेंट करा हुआ था, उन्होंने बुलेट खरीदी है, तो उनके साथ भी बुलेट के रिगार्डिंग भूमि मोटर से कुछ स्कैम हुआ हुआ है। और फिर एक भाई का मैसेज आया, उनका नाम है शिवम चौहान, हाँ शिवम चौहान राइट, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, उन्होंने मेल भी करी मेरे को, कह रहे प्रीत भाई अगर आपको बाइक लेनी है तो आप सुभाष नगर भूमि मोटर्स के सामने कोई स्टोर बताया वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और उन्होंने कहा अगर वहाँ पे जाकर कॉन्टैक्ट करके मेरा नाम बताओगे तो आपको स्पेशल अच्छा वाला डिस्काउंट भी मिलेगा। मैं कहा वाओ मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो ये तो बढ़िया चीज़ है, डिस्काउंट भी मिलेगा, बाइक भी मिल जाएगी। खैर ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, डिस्काउंट भाई ने ये बात जरूर बोली कि डिस्काउंट मिलेगा, पर ये तो बाकी तो मैं वाओ वगैरह तो ऐसी मजाक में बोल रहा था। बाकी मुद्दे की बात तो ये है, अरे भैया मेरे सर पे चढ़ा देगा क्या। बाकी अभी देखो मुद्दे की बात ये है, फिलहाल तो मैं एक शूट के लिए जा रहा हूँ, वही अपना डेली का वही रूटीन हो गया भाई, इतनी गर्मी हो गई है तो डुगातुर तो आपको पता ही है, अभी क्या रिपीट बताऊँ डेली। और ऐसे मुझे आप लोगों से वन ऑन वन बात करने में मज़ा भी आने लगा है, हो सकता है मे बी इन फ्यूचर इस टाइप के व्लॉग भी बनाया करूँ मैं, जिसमें ऐसे अपना डे टू डे रूटीन दिखाऊं या जो भी कुछ है। तो इस टाइप के वीडियो मुझे जो काम करने मजा आता है वो मैं करता हूं। तो इसके अलावा मेरा काम टारगेट है, मुझे सुभाष नगर ना दो जगह आउटलेट पे कॉल करना है, एक तो पहले भूमि मोटर ही करते हैं कॉल वॉल, पता लगाते हैं क्या सीन है, अगर उस पर बाइक होगी तो जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा, और किसी सही बंदे से बात करूंगा, ऐसा ना हो जैसे लास्ट टाइम गया फोन भी करा, कौन था वो चेरी मोटर, जाके मैंने कहा भैया बाइक दिखा दो, बाइक का है पता ही नहीं था उस आदमी को कि मेरे पास बाइक भी आ रहा है, दोस्त मुझे बेचनी है मेरी बिक गई। ठीक है बाकी चलते हैं एक बारी, मैं करोल बाग का एक थोड़ा सा मेरे को काम है वो निपटा लूं, और उसके बाद सीधा सुभाष नगर के लिए मैं गाड़ी साइड लगाता हूं, पहले अभी कॉल ही कर लेता हूं, फोन निकाल। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात। हेलो भैया, तो बिजी आ रहा है फोन, सैबी भूमि मोटर्स के नाम से भाई ने नंबर भेजा था, यू कैन वेट, दोबारा लगाएंगे हम। लग गया लग गया। हेलो भैया, मेरे को जितेश भाई ने आपका नंबर दिया था, मेरे को एक बाइक परचेज करनी थी, पल्सर RS 200 BS 3 या 4 वाली होगी आपके पास? मॉर्निंग में आना पड़ेगा। अच्छा आज नहीं, क्या कह रहे हो? कल आना पड़ेगा आपसे मॉर्निंग। अच्छा आज नहीं होगा स्टोर ओपन आपका? स्टोर तो ओपन है, मैं थोड़ा बाहर हूं। तो कोई नहीं, कोई और होगा दिखाने वाला आपके अलावा, या फिर और कोई होगा नहीं वहाँ पे? सबकी सेल अलग अलग चढ़ती है ना। क्या चीज? सबकी सेल वगैरह चढ़ती है, मैं कल आ जाऊँ, कल दिखाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा आया हुआ था ना सुभाष नगर की साइड, इस वजह से पूछ रहा था। भाई शिवम भाई जी ने मुझे नंबर दिया है, क्या नाम बताया? नितिन। हेलो। हेलो, हाँ जी नितिन भाई बात कर रहे हैं? हाँ जी। भैया मेरे को ना शिवम भाई ने नंबर दिया था आपका, जो शायद आपके पास शूट वगैरह करता है, मेरे को एक RS 200 BS 3 या 4 लेनी थी, होगी आपके पास? शिवम कौन? अच्छा शिवम चौहान, MT, शिवम MT ब्लॉग्स। एक मिनट MT, एक मिनट मैं चैनल का नाम देखूं, टॉक विद शिवम के नाम से उनका चैनल। हाँ तो उन भाई ने मेरे को आपका नंबर दिया था, वो मेरे सब्सक्राइबर भाई है, उन्होंने मेरे को बोला था कि भाई आपको बाइक लेनी है तो आप वहाँ पे चले जाओ, तो मुझे RS 200 BS 3 या 4 चाहिए, होगी आपके पास? RS में तो नहीं है, NS मिल जाएगी। ना ना NS नहीं, RS तो नहीं है। अच्छा RS स्टॉक में ही नहीं है? नहीं स्टॉक में नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, ओके भाई थैंक यू। ओके। तो लो भाई आप लोगों ने देख लिया, अपनी बात और चीत हो चुकी है, तो वहाँ पे जो शिवम भाई ने कॉन्टेक्ट दिया था, तो शिवम भाई वहाँ तो उनके पास बाइक ही नहीं है, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को NS दे रहे हैं, NS मेरे को चाहिए नहीं भाई, नेकेड नहीं चाहिए, फेड चाहिए, नेकेड नहीं चाहिए, नेकेड तो ऑलरेडी डुगासुर चला रहा हूँ, डुगासुर चलाने के बाद NS लेने का मतलब ही क्या बनता है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे भाई डुगासुर चलाने के बाद RS लेने का भी मतलब नहीं बनता, वो मतलब मैं आने वाली वीडियोज में बताऊँगा क्या मतलब बनता है, और क्यों मैं इस बाइक के पीछे आया था, मतलब थोड़ा पीछे सा पड़ा हुआ हूँ लेने के लिए। तो
ये एक बात रही कि मतलब जो शिवम भाई ने बताया था वहां तो बाइक ही नहीं है, तो वेल भाई देखो आप लोगों ने बोला था ना भूमि मोटर विजिट कर लेना, भूमि मोटर आया हूँ यहाँ पे, इनके पास बाइक नहीं है अवेलेबल। भैया बता रहे हैं इनके पास 3-4 बाइक आएंगी, वो आएंगी कम से कम 3-4 दिन के बाद। मैंने नंबर दे दिया है, नंबर देने के बाद जब भैया के पास बाइक आ जाएगी तब मैं आके देख लूँगा। 17-18 मॉडल बता रहे हैं जो मेरे को चाहिए, और देखते हैं फिर मिलती है नहीं मिलती है जो भी कुछ होगा। बाकी 2021 खड़ी है BS6, वो तो आपको पता है मुझे लेनी नहीं है। BS6 अपनी पुरानी थी, उससे बहुत दुखी थे, तो BS4 या फिर 3 मिलेगी। तो भैया कह रहे हैं आप जैसे भी आएगी भैया के पास आपका नंबर सेव कर लीजिए, जैसे आएगी कॉल कर, ठीक है। मैं भी आपको एक बार कॉल कर लूँगा, जैसा होगा पीछे भी हैं तो वो चीज़ देख लेंगे। तो फिलहाल तो देखो यही स्टेटस है कि बाइक अभी है नहीं है, जब भी आएगी देखा जाएगा। और थोड़ा सा काफ़ी लोग कह रहे थे कि प्रीत भाई आप डीलर्स पे क्यों जा रहे हो, आप OLX वगैरह पे देख लो। भाई मैंने OLX पे भी क्वेरी डाली हुई है, अब इसके बाद OLX वाली बाइक्स भी चेक करूँगा। एक दो बंदे को, 3-4 बंदों को क्वेरी डाली है, वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर आया, बात करते हैं वहाँ चलेंगे वो भी बताऊँगा। और इधर एक RR 310 भी खड़ी थी इधर एक RR 310 भी खड़ी है DD डॉन के लिए, पर ये वाली RR थोड़ी सी मतलब कह सकते हो कि आस्किंग ज़्यादा है, 2,40,000 मांग रहे हैं। मैंने कहा लेस करके कह रहे 2,32,000, मैं नहीं समझ में नहीं आ रही बात, कुछ समझ नहीं आई। खैर ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। कल मैं कार से आया था तो कार में तो फिर सीन क्या बना, फिर कल टाइम नहीं लगा, फिर एक शूट में अटक गया, तो आ जाए हूँ दुका फिर लेके, पूरी गंदी गंदी हुई पड़ी है। और मिस्टर दुर्शासन को भी लेके, क्या कह रहे हैं भाई? हे गाइस। तो चलो फिर ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो बाइक तो है नहीं, 2021 मुझे लेनी नहीं है, कोई होगी देखता हूँ। बाकी यार आप लोग बता देना है ना, तब तक के लिए।